विद्यार्थियों, वैदिक गणित की इस पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले 14 लेक्चर में वैदिक गणित के चार महत्वपूर्ण सूत्र को डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले सूत्र की हमने जो बात की थी वो था एकाधिकेन पूर्वेन। उसके बाद हमने बात की निखिलम नवतय चरमम दशते। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने जो सूत्र की बात की ऊर्ध्व तिर्यक भयम, और चौथा जो सूत्र हमने किया वो था प्रावर्त्य योजेत। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो है शून्यम साम्य समुच्चय। सूत्र का नाम है शून्यम साम्य समुच्चय। ये जो सूत्र है वो अंकगणित के साथ साथ बीजगणित के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है। बीजगणित में, एलजेब्रा में इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है जिसको आपको देख के ये लगेगा कि ये बहुत जो एक महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो बेहद फास्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका बेसिक करेंगे और अगले लेक्चर में देखेंगे किस तरह से इस सूत्र की सहायता से जो बीजगणितीय समस्याएं हैं, जो अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, उनको हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारा आज का सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय। अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है जब समुच्चय एक समान है तब उस समुच्चय का मान शून्य होता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो व्हेन द समुच्चय इज सेम देन समुच्चय इज जीरो। इसको ही इंग्लिश में लिखा गया, दैट इज इट शुड बी इक्वेटेड टू जीरो। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहले इसके अर्थ के अनुरूप जो इसका उपयोग बनता है वो देखते हैं, और फिर इसकी जो एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन है उनको देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। अब यहां पे इसका जो एक उपयोग यहां पे हम ले रहे हैं, इसमें है कि यदि किसी समीकरण में कोई पद उभयनिष्ठ है, यदि किसी समीकरण में कोई पद उभयनिष्ठ है, समीकरण मतलब इक्वेशन, किसी इक्वेशन में कोई पद उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो वह पद शून्य के बराबर होता है। तो पद मतलब टर्म्स, यहां पे भी है तो पद यानी कि इसका मतलब हो जाएगा टर्म, तो वह पद शून्य के बराबर होता है। शून्य मतलब जीरो, जीरो के बराबर होता है। तो यहां यह इसका एक जो इसका अर्थ है, जो ये हमारे पास शब्द सूत्र है, इसका जो अर्थ है उसके अनुरूप हमने एक इसका उपयोग लिया है। अब इसको समझते हैं तो यहां पे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी समीकरण में कोई पद उभयनिष्ठ है तो वह पद शून्य के बराबर होता है। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक समीकरण है 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये आपके पास एक समीकरण है। अब इसमें क्या गया है, यदि किसी समीकरण में कोई पद उभयनिष्ठ है, एक हमारे पास समीकरण है, एक इक्वेशन है, इसमें कोई टर्म कॉमन है आप चेक करें, तो अगर हम देखें तो यहां पे जो x प्लस 5 है ये जो टर्म है वो सब में आई हुई है, ये जो टर्म है वो सब में आई हुई है, तो यहां पे कहा गया है तो वह पद शून्य के बराबर होता है। तो ये जो टर्म है वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो इसको हम किसके बराबर लिख देंगे, जीरो के। इट मीन्स x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू जीरो, और यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी,
तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू माइनस फाइव हमारे पास आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें जैसे सपोज करो हमारे पास है फाइव इंटू एक्स माइनस वन प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। हमने ये ले लिया। अब देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है हमारे पास। यहां पे x माइनस वन है, यहां पे भी x माइनस वन है, यहां नहीं है। अब देखो जीरो की जीरो के साथ अगर हम x माइनस वन लगा भी लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा तो तब भी जीरो ही। तो यानी कि जो x माइनस वन टर्म है, जो x माइनस वन पद है, सब में कॉमन है। तो ये सिर्फ आपके आपके समझने के लिए यहां पर लिखा गया था। तो जो x माइनस वन टर्म है वो सब में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। जिसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो समीकरण दिए हुए उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था कि हमारे पास जो सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ के अनुरूप हमने एक उपयोग लिया है। ये जो उपयोग है सबसे साधारण सिंपल है, इसमें जो अर्थ के अनुरूप इसका जो उपयोग है वो लिया गया है। और अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके कुछ और जो महत्वपूर्ण उपयोग है उनको देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एल्जेब्रा में ये जो वैदिक गणित का सूत्र है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।